हेलो गाइस, स्वागत है आपका विनी के व्लॉग्स में। और मैं आज फिर आई हूँ आप लोगों से मिलने। पहले मैं पूछूंगी आप लोग कैसे हो, ठीक हो सब? कुछ ठीक चल रहा है? मौसम बदल रहा है, सब अपना ध्यान रखना। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मेरे दिल में एक बात चल रही थी, तो आप लोगों को पता ही है मेरे दिल में जो बात चलती है वो मैं आगे शेयर करती हूँ और सबके साथ बांटती हूँ उस बात को, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है और शायद जो लोग सुनते होंगे उनको भी अच्छा ही लगता होगा। तो आज क्या हुआ, मैं खाली बैठी थी, मेरे पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया जो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। तो बेसिकली उस वीडियो में क्या था कि एक बहुत रिच बंदा था, वो अपनी गाड़ी में बैठा था और गाड़ी में बैठ के वो भी अपना फ़ोन ही चला रहा था। तो इंस्टाग्राम पर उसके जो फ्रेंड था उसने पोस्ट किया था कि उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। तो जो उसके साथ में जो उसका असिस्टेंट बैठा था वो उसको बोलता है कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए था। तो जो उसका असिस्टेंट होता है ना वो कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है जो आप इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। तो तभी वो बैठा होता है और उससे बाहर से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सर खिड़की खोलिए, मैं तो आपसे बात करनी है। तो वो जब शीशे नीचे करता है ना तो वो बंदा बोलता है कि मैं आपकी कार के साथ फ़ोटो ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो खटारा कार है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। फिर जब वो चला जाता है अपनी फ़ोटो क्लिक करके तो वो कहता है नहीं यार मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, मेरी किस्मत भी अच्छी है। तो वो जब जो बंदा उस सेल्फी लेके जाता है उसकी गाड़ी के साथ, वो अपनी गाड़ी के पास जाता है, सामने से एक लेडी आ रही होती है तो वो अपनी गाड़ी को पैर मार रहा होता है कि यार मेरी किस्मत कितनी गंदी है, वो बंदा देखो इतनी बड़ी कार में बैठा है और तब भी बताओ वो इतनी बड़ी कार में बैठा और मेरे पास क्या है, खटारा खटारा है मेरे पास। तो वो पैर मार देता उसको, गुस्सा निकाल रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल रहा होता है। तो वो जो लेडी आ रही होती है सामने से तो वो उसको बोलती है कि आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, मेरे को देखो मैं अभी जाऊंगी अपनी साइकिल पे, मेरे पास तो साइकिल है, आपके पास कम से कम कार तो है। तो वो अपनी साइकिल से जा रही होती है, ठीक है। तो उसको रास्ते में एक, जब वो लेडी साइकिल से जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि बस का वेट कर रहा होता है। अब उसकी साइकिल वहाँ ख़राब हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि यार मेरी साइकिल ख़राब, दोबारा खटारा ख़राब हो गई, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है यार, मेरे पास साइकिल है और वो भी ख़राब। तो वो जो लड़का बस का वेट कर रहा होता है ना वो कहता है नहीं नहीं आपकी किस्मत इतनी ख़राब नहीं है, मेरे को देखो आधा घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए बस स्टैंड पर और बस नहीं आई अभी तक, सोचो आपकी किस्मत तो फिर भी अच्छी है, कम से कम अपने आप पैरों से चला के आप साइकिल से घर तो जा सकते हो, मेरे पास तो उतना भी नहीं है, मेरे को तो बस का वेट करना पड़ता है। तो वो कहती है मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब नहीं है, मेरे पास कम से कम साइकिल तो है। तो वो साइकिल पे थोड़ा आगे जाती है, तो आगे जब वो जाती है तो वो एक आंटी को देखती हैं जो व्हील चेयर पर बैठी होती हैं। तो जब वो व्हील चेयर पर बैठी होती हैं तो उसकी साइकिल वहाँ फिर ख़राब हो जाती है। जब साइकिल ख़राब हो जाती है तो वो फिर बोलती है, उनसे बोलती है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मेरी साइकिल दोबारा ख़राब हो गई। तो वो आंटी जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम ईश्वर का शुक्र मनाओ, भगवान का शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पैर दिए हैं साइकिल चलाने के लिए, मेरे को देखो मैं तो बेसहारा हूँ, मेरे पास तो पैर भी नहीं है। तो ये देख के ये जो स्टोरी थी मेरे दिल को बहुत टच किया कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस ईश्वर का, उस भगवान का जिन्होंने हमें हाथ पैर नाक सब कुछ एकदम ठीक ठाक दिए, हमारे जो अंग हमारे शरीर का एक भी जो हिस्सा है एक भी पार्ट है वो डिफेक्टिव नहीं है, वो एकदम ठीक है। तो थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कि उन्होंने हमें ठीक ठाक इस दुनिया में भेजा है, ठीक ठाक हमें उन्होंने इस लायक बनाया है, इस हमारे ऊपर इतना हाथ रखा है कि हम अपना परिवार अपना घर अपना समाज उसको हम चला सकते हैं। तो हमेशा गॉड का थैंक्स करना चाहिए, हमें जो मिला है, जो हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, हम मेहनत से वो भी बना लेंगे, कोई बात नहीं, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास है, क्योंकि मेरे पापा ने हमें एक चीज़ अच्छी तरह से सिखाई और बचपन से सिखाई कि बेटा तुम्हारे पास अगर 2 रुपये हो ना तो 2 रुपये में से 50 पैसे बचाने की सोचो, कभी भी 2.5 रुपये नहीं उड़ाने की सोचो, उसमें से 50 पैसे बचाने की सोचो। तो वही चीज़ मैंने सीखी है, उसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पापा को कि उन्होंने मुझे हमेशा, मुझे मेरी सिस्टर को मेरे भाई को, हमें हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि बेटा बचाना सीखो,
उड़ाते तो सभी हैं लेकिन बचाना सीखो, क्योंकि जब ये मुट्ठी ऐसे रहती है ना तो वो बंद रहती है, जब ऐसे रहती है तो ये खाली रह जाती है। तो हमें हमेशा अपनी मुट्ठी बंद करके रखनी चाहिए, खोलो लेकिन इतनी नहीं कि उससे खुद को ही परेशानी हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग आईफोन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, मुझे भी लेना है और मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन तब लूँगी जब मैं इतना हो जाऊँगी कि हाँ मैं लूँगी। तो आईफोन लेते हैं, आईफोन लेने के बाद उसकी 3 साल की किस्तें बनवा लेते हैं, अगले साल भी नया आईफोन आ जाता है, फिर सोचते भाई किस्तें तो चली रही है, इसको भेज दे आधे रेट में, दूसरा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी किस्तों में ही कटती चली जाती है। तो लेना चाहिए, मना नहीं करती कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए हमें लेकिन लिमिट में, क्योंकि हमें ईश्वर का, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें दिया है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान होते हैं, सड़क पे देखो जो लोग बैठे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो मैं हमेशा उनको इस देखकर यही सोचती हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें इतना दिया कि हम छत के नीचे हैं, हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, हमारा घर अच्छे से चल रहा है, थैंक्स गॉड। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बाकी अब इतनी सारी बातें मैंने कर ली तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोलना चाहती थी। तो हमें हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो हमारे पास है वो सामने वाले के पास ना हो। बस आज के लिए बस इतना ही, दोबारा आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई सीख के साथ। तो तब के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो, बाय।